जगत जननी माता विंध्यवासिनी की पावन नगरी सरकार द्वारा विकास के नए साचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। विंध्य कॉरिडोर योजना से विंध्य क्षेत्र के बहुमुखी विकास की लक्ष्मण रेखा की गई है। तो वहीं विंध्याचल धाम के त्रिकोणी मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक पडेगरा नाला आने जाने वाले राहगीरों एवं यात्रियों के लिए कष्टप्रद साबित हो गया है। गौरतलब है कि रविवार देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण सोमवार सुबह विंध्य क्षेत्र के झरनों, तालाबों, अन्य स्रोतों से अत्यधिक जल प्रभाव के कारण पटेगरा नाला अंडरपास पुल अधिक जल जमाव के कारण जल निकासी ना होने से अंडरपास पुल जलमग्न हो गया। विंध्य क्षेत्र के बहुचर्चित वीआईपी रास्ते पर भयवाद मंजर देखकर लोग डरे और सहमे से रह गए। क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर राजभर। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ जिला। माता विंध्यवासिनी के धाम में आए हैं, किस लिए आप आए हैं? दर्शन करने के लिए। क्या आपको दिक्कतें हुई सामने, क्या दिक्कत आपको हुई अभी आने में? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ इतना बनाया जाए, यहाँ पानी हुआ है कि हम लोग निकल नहीं पाए, वहाँ नहीं पूरी गाड़ी फंस गई। आगे पूरी गाड़ी डूब गई थी क्या? यस। पूरा पूरा परिवार? पूरा परिवार। कितने सदस्य थे आप लोग? हमारे 20। 20 के लगभग। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।